नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप सभी दर्शकों को ग्रीन लाइन न्यूज चैनल के माध्यम से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे ग्रीन लाइन न्यूज। भवनाथपुर प्रखंड के बुका गांव में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने भीत बांग का निरीक्षण किया। भवनाथपुर से संवाददाता ओस्ताद अंसारी की रिपोर्ट। भवनाथपुर प्रखंड में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने बुका गांव के बीता बांध का निरीक्षण किया गया। साथ ही बताया कि जो बांध 2016 में बांध टूट गया, जिसके चलते भवनाथपुर बुका गांव के हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकता है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार का सिंचाई पर कोई ध्यान नहीं है। बताया कि जल्द से जल्द इस बांध को कम लागत में पूरा हो सके तथा किसानों का पुराना मांग पूरा हो सके। जो रोहड़ी या कृपया बांध का भी स्थित जर्जर है, उसे भी हम जल्द सरकार से पूरा कराने की प्रयास करेंगे कि रोहनिया बांध देने से लगभग 5000 एकड़ जमीन सिंचित किया जा सकता है। जो गढ़वा से लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर भी वहां पर मौजूद थे, जहां बहुत लोग उपस्थित थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव, विपिन चौबे, भगत दयानंद यादव, संतोष ठाकुर, रामाशंकर मेहता। ग्रीन लाइन न्यूज के साथ मैं हूँ ज्योति कनौजिया। धन्यवाद। कम लागत में इसको हम लोग कैसे बना सके आज की परिस्थिति में देखते हुए, जबकि सरकार पैसा का रोना रो रही है, सिंचाई पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग सभी पदाधिकारी के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से प्राकलन बन करके किसी फंड में अगर पैसा आता है तो प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों का भीता बांध और रोहिनिया का कोपिया बांध हम लोग मरम्मत करा करके जनता को समर्पित करें, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। ये लगभग दोनों बांध मिला करके 5000 एकड़ जमीन का सिंचाई हो सकेगा और पुराना मांग भी है किसानों का इस क्षेत्र का।